अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि ईद में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है ना प्रिपरेशन करने वाली हैं, तो आज का दिन जो है ना मैंने स्टार्ट किया है सैलॉन सर्विसेज से, क्योंकि आज सैलॉन में मेरी अपॉइंटमेंट थी। तो सबसे पहले मैंने सैलॉन सर्विसेज ली, और वैसे भी हम जो है ना ईद आने वाली है तो लेडीज़ के लिए सबसे मस्त जो है ना सैलॉन होता है, क्योंकि ईद जो है ना सैलॉन सर्विसेज के बगैर बिल्कुल इनकम्प्लीट होती है। ईद आने वाली हो और लेडीज़ शॉपिंग ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है। ईद का असल मज़ा जो है ना शॉपिंग करने में है। आपकी शॉपिंग की जो है ना प्रिपरेशंस कैसी चल रही हैं, मुझे जो है ना कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। ईद के आउटफिट के साथ मुझे मैचिंग ज्वेलरी लेनी थी, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले ज्वेलरी स्टोर में जाती हूँ, जाके जो है ना मैचिंग ज्वेलरी जो है ना परचेज करती हूँ। और ये देखें कितनी प्यारी प्यारी ज्वेलरी आई हुई है। जी, यहाँ पर जो है ना मैं अपनी डॉटर के लिए वेस्टर्न ड्रेस लेने आई हूँ ईद के सेकंड डे के लिए, क्योंकि फर्स्ट डे के लिए जो ड्रेस है ईद का कल्चरल ड्रेस जो हम लोग पहनते हैं वो उसकी दादू ने जो है ना उसको भेजा है। फ्रेंड्स, ईद जो है वो तो छोटी बच्चियों की होती है, कि क्योंकि उनका एक्साइटमेंट लेवल जो है ना काफ़ी हाई होता है कि सुबह हम लोग उठेंगे और ईद का कल्चरल ड्रेस पहनेंगे। आपको पता है कि जब मैं छोटी होती थी ना, तो मुझे ड्रेस से ज़्यादा इस चीज़ की एक्साइटमेंट होती थी कि जब ईद का सुबह का दिन आएगा तो मुझे जो है ना मम्मा मेकअप करेंगी, क्योंकि मुझे मेकअप का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता था। यहाँ पर मैंने ईद के आउटफिट के साथ जो है ना मैचिंग हेयर क्लिप लिया, क्योंकि मुझे एक हेयर क्लिप चाहिए था। फिर यहाँ से हम टेक्सटाइल स्टोर गए, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छे जो है ना एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस आए हुए थे, तो हमने सोचा क्यों ना वहाँ पे जाके जो है ना ड्रेसेस देख के जाएँ कि ईद की कलेक्शन क्या आई है इस बार। यहाँ पे बेसिकली ना इंडियन ड्रेसेस बहुत ज़्यादा आते हैं इंडिया से, तो वो काफ़ी अच्छे होते हैं। अभी ईद का ड्रेस जो है ना फाइनलाइज़ कर रही थी कि मम्मा को ये ब्लू ड्रेस पसंद आ गया, और मम्मा ने ये जल्दी से परचेज़ कर लिया, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे तो कोई चीज़ पसंद आनी नहीं। तो फ्रेंकली स्पीकिंग, इस बार जो है ना ईद की जो कलेक्शन थी वो बहुत ही अच्छी थी, पहले भी अच्छी होती है लेकिन इस बार ज़्यादा अच्छी थी। आज का डे जो है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक और बिजी डे था, क्योंकि आज हमने जो है ना एक वेडिंग में भी जाना था। हमें यहाँ से शॉपिंग करने के बाद एक वेडिंग अटेंड करनी थी, तो हमने जल्दी जल्दी से शॉपिंग की और घर गए ताकि वेडिंग के लिए जो है ना प्रिपरेशन की जाए। और ये देखिए मेरा ड्रेस आज की वेडिंग के लिए, ये मैंने अपना ड्रेस जो है ना पहले ही शॉपिंग पर जाने से पहले रेडी कर दिया था, ताकि शॉपिंग से फ़ौरन आके हम लोग जो है ना वेडिंग अटेंड कर सकें। और ये देखें जी, मेरी ज्वेलरी, मेरी जो है ना चूड़ियाँ, और ये ड्रेस, ये भी मैंने ड्रेस जो है ना वहीं से लिया, जो मैंने आपको शॉप दिखाई है ना अभी, वहीं से मैंने ये जो है ना इंडियन ड्रेस जो है ना परचेज़ किया है। आप इस ड्रेस की एम्ब्रॉयडरी चेक करें कि कितनी फ़ाइन एम्ब्रॉयडरी है। मुझे इंडियन ड्रेसेस इसी वजह से पसंद होते हैं कि इनके ऊपर जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क हुआ होता है, जो लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। और ये है मेरी प्रिंसेस का लहंगा चोली, जो इसकी शर्ट है इसके ऊपर मैंने एम्ब्रॉयडरी करवाई थी, और जो इसका लहंगा है इसके ऊपर मिरर वर्क था, और मिरर के साथ जो है ना छोटे छोटे स्टोन थे ऑल ओवर। और ये देखिए मेरी प्रिंसेस का छोटा सा मिनी जो है ना पॉकेट परफ्यूम, उसे परफ्यूम का बहुत ज़्यादा शौक है, वो कहीं भी जाती है ना उसने अपने परफ्यूम्स रखे हुए हैं, और वो जो है ना मैं लगाऊँ ना लगाऊँ वो सबसे पहले जो है ना अपने ऊपर परफ्यूम लगाती है। और ये है हमारी ब्यूटीफुल सी ब्राइड और उसका हैंडसम ग्रूम। ब्राइड जो है बहुत ही प्यारी लग रही थी, उसका ड्रेस भी बहुत अच्छा था, और ग्रूम भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पर हमने खाना खाया, खाने में चिकन टिक्का था और वाइट चिकन कढ़ाई थी और गुलाब जामुन थे।
हमने जो है ना शादी में बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, और उससे भी ज़्यादा इंजॉय हमने आज अपनी शॉपिंग में किया, क्योंकि शॉपिंग में ये मेरी सिस्टर जो है मेरे साथ थी। देखिए इसका आउटफिट कितना प्रिटी है माशाल्लाह। फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो? अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। टाइम टू से गुड बाय। सो टिल नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज़।